क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? नीतीश कुमार का अडानी प्रेम गठबंधन को ले डूबेगा। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पानी पी पी कर अडानी को गरियाए, इधर नीतीश कुमार गले लगाए, ऐसे कैसे चलेगा नीतीश बाबू? निवेश की बहार देखते ही फिसल गए नीतीश कुमार, नीतीश का अडानी प्रेम देख गुस्से में राहुल गांधी, क्या टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? वो एक कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत आज नीतीश कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जिस अडानी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंचों से, सभाओं से, संसद में पानी पी पी कर कोसते हैं, बीजेपी को घेरते हैं, उस अडानी से नीतीश कुमार का प्रेम जगजाहिर हो गया है। साबित हो गया है कि अडानी का विरोध तो सिर्फ एक दिखावा था। बिहार में 8,700 करोड़ का निवेश देखते ही नीतीश बाबू फिसल गए, अडानी से हाथ मिलाया, गले लगाया और जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार के रवैया देखकर यकीनन राहुल गांधी को गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन हमेशा से ही अडानी का विरोध करती रही है और अचानक से नीतीश कुमार का अडानी प्रेम कहीं इंडिया गठबंधन को ले ना डूबे, वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। जिस अडानी को राहुल गांधी हर चुनाव में अपना मुख्य एजेंडा बनाते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, उसी को इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार गले लगाते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन का अडानी विरोध सिर्फ एक दिखावा है, या फिर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन को घेरने का एक मौका दे दिया? नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। नीतीश कुमार के रवैये से ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन टूट सकता है। यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी नीतीश कुमार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होकर सभी को चौंका दिया था, पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ की थी। उसके बाद बिहार में एक सभा के दौरान भी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए थे। ऐसे में नीतीश कुमार का चाल, चरित्र और चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होने की प्लानिंग कर रहे हैं? शायद आपको याद हो तो यही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की रखी थी। नीतीश कुमार ही घूम घूम कर सभी नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो इंडिया गठबंधन कभी नहीं बन पाता। फिर आखिर क्यों नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से मोह भंग होता नजर आ रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से पीछे हट रहे हैं? इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। खैर जो भी हो, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, नीतीश कुमार का रुख क्या है यह भी चुनाव से पहले ही साफ हो जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दोनों इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश चुनाव के बाद से कांग्रेस से बेहद नाराज चल रहे हैं। अपने बयान में वह कई बार कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर हमारा साथ देती तो नतीजा कुछ और होता। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट के दूसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के प्लेनरी सेशन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अडानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अडानी भी मौजूद रहे। अडानी समूह बिहार में 8,700 करोड़ का निवेश करने जा रही है। अडानी के अलावा और कई कंपनियों ने भी बिहार में निवेश करने का मन बनाया है। कंपनियों ने नीतीश कुमार की तारीफ की है और कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है।